हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक लेटेस्ट ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा जिसका नाम है नॉट अदर्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक माँ और एक बेटी को देखते हैं। वो दोनों बीच में बैठे होते हैं। यहाँ माँ का नाम उनमी होता है और बेटी का नाम जिनही। वहीं उनमी वहाँ पर लड़कों को लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी लड़का उसे भाव नहीं देता है क्योंकि उसके साइड में जिनही बैठी हुई देखकर। तब उनमी जिनही से कहती है तो खेलने जाओ। तब जिनही मना करती है और कहती है अगर मैं खेलने गई तो आप किसी भी स्ट्रेंजर के साथ आउट करने लगोगे। उसके बाद हम देखते हैं जिन्ही बड़ी हो गई होती है और वो ये सब जिन्ही फ्लैशबैक में याद कर रही होती है। वही वो दोनों बीच में ही होते हैं। तब जिन्ही उनमी से कहती है हम दोनों ने साथ में कभी स्विमिंग नहीं किया है, लेकिन आप मुझे पहले भी बीच में लाया करती थी और आज भी लेकर आई है, मुझे उसकी खुशी है। और जिन्ही उनमी से पूछती है इसके बाद हम क्या करें। तभी उनमी कुछ आदमियों को क्लबिंग की बात करते हुए सुनती है और वो जिन्ही से कहती है चलो हम क्लब चलते हैं, लेकिन जिन्ही उनमी से मना करती है क्लब जाने से। नेक्स्ट सीन में हम जिन्ही को देखते हैं। एक लेडी चिल्ला रही होती है चोर चोर कहकर। वहीं एक दूसरी लेडी एक बच्ची को लेकर भाग रही होती है और वो लेडी उनका पीछे चिल्लाकर भागती है ये किडनैपर है, उसे कोई पकड़ो। तब जिन्ही उस किडनैपर के आगे पैर कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तब उस बच्ची की मॉम आकर उस लेडी को मारने लगती है। वहीं जिन्ही पुलिस को कॉल करके उस बच्ची की मॉम को रोकती है और तब उस बच्ची की मॉम उल्टा जिन्ही को ही मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ उनमी आकर उसके उसे पीछे से बाल खींचती है और कहती है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश कैसे की। वहीं वो बच्ची जाकर दूसरी वाली लेडी को पकड़ के रो रही होती है। तब वो लेडी उस बच्ची के पीठ को सभी को दिखाती है। यहाँ उस बच्ची की माँ उस बच्ची को मारा करती थी और वो लेडी उस बच्ची को बचा रही होती है। वहीं जिन्ही अपनी मॉम को रोकती है और कहती है आप ऐसा करोगे तो आप खुद परेशान में पड़ जाओगी। उसके बाद हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन के बाहर आ रहे हुए देखते हैं। तब जिन्ही अपनी मॉम से कहती है उस लेडी ने इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ जिन्ही एक पुलिस वूमेन ही होती है। वहीं ये वाला स्टेशन उसके अंदर का नहीं होता है, लेकिन उसने शायद अभी उस वाला केस अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद जिन्ही और उनमी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जिन्ही पुलिस स्टेशन जाती है। वहीं बहुत सारे पुलिस का डिमोशन किया गया होता है। वहीं उसे पुलिस में हेड बताते हैं कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तब वो अपने बॉस से कहती है सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब उसके बॉस कहते हैं तुम्हें सस्पेंड इसलिए करा जा रहा है क्योंकि तुम मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए। तब जिन्ही कहती है मैं इस डिसीजन को चैलेंज करूंगी। तब बॉस कहते हैं इसे एक्सेप्ट करो और एक साल के बाद वापस आ जाना यहाँ। उसके बाद हम जिन्ही को सीढ़ियों में बैठे हुए देखते हैं। तभी उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है जो बहुत परेशान थी। तब जिन्ही उनके पास जाती है और उन्हें एक जगह के बारे में बताकर हेल्प करती है। वहीं जब वो वापस आती है तब उसके बॉस उससे कहते हैं तुम दूसरों की हेल्प कर रही हो लेकिन खुद की हेल्प नहीं कर पाती हो, तुम एक ऐसे ऑफिसर हो जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा कंप्लेन आता है। उसके बाद जब वो अपना सामान लेकर बाहर आती है तब सभी मीडिया वाले उसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं और धक्का धुक्की में जिन्ही का सारा सामान नीचे गिर जाता है। वहीं जब वो सामान लेकर घर पहुँचती है तब वो देखती है उसकी मॉम एडल्ट वीडियो देखकर मास्टरबेट कर रही होती है। वहीं जब उनमी जिन्ही को देखती है वो उसे पूछती है आज तुम जल्दी घर वापस आ गए, क्या हम डिनर करने चले। वहीं जिन्ही ये देखकर कुछ कह नहीं पा रही होती है अपनी मॉम से। उसके बाद जिन्ही ड्रिंक करने जाती है और वो हंसती है कि ये मैंने क्या देख लिया। उसके बाद हम जिन्ही को उसी फ्रेंड के साथ देखती हैं। उसकी फ्रेंड का नाम डेक्योंग होता है और जिन्ही डेक्योंग से पूछती है क्या तुमने अपनी मॉम को कभी मास्टरबेट करते हुए देखा है। मैंने ऐसा कुछ देख लिया है जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। और वो कहती है वो बाहर जाकर लड़कों से मिल सकती है, वो घर में अकेले ये सब क्यों कर रही है इस एज में। ये सब सुनकर डेक्योंग शॉक होती है। वहीं जिन्ही अपनी मॉम की अजीब अजीब हरकतों के बारे में भी उसे बताती है। तब डेक्योंग जिन्ही से कहती है थोड़े धीरे से बात करो क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं।
उसके बाद हम जीनी को बस में जाते हुए देखते हैं और वो कुछ हाई स्कूल की लड़कियों को देखकर अपनी मम के बारे में याद करती है और वो कहती है, मेरी मम हाई स्कूल में दूसरे को बुली किया करती थी और वो अपने फ्रेंड के भाई से प्यार करने लगी और बाद में मेरा जन्म हुआ, लेकिन उस लड़के ने दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया और वो मेरी मम को अकेले छोड़ कर चला गया, इसलिए मेरी मम ने मुझे अकेले ही बड़ा किया है। नेक्स्ट सीन में हम जीनी को घर में देखते हैं। वो सोकर उठती है और वो रूम से बाहर जाती है। तब उनमी उसे पूछती है कि आज इतने देर से क्यों सोकर उठी हो। तब जीनी कहती है, क्योंकि मैंने आज ऑफ लिया है। तब उनमी उसे पूछती है कि हम रात को घूमने चले। तब जीनी कहती है, मेरा रात को प्लान है, मैं नहीं जा सकती हूँ। बाद में उनमी जीनी से कहती है, चलो हम कपड़े धोते हैं, लेकिन जीनी रूम में चली जाती है। तब उनमी अकेले ही कपड़े धोने जाती है। तब जीनी को याद आता है उसने कल कपड़े धोए थे और वो दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है, क्या आपने कल कपड़े बाहर नहीं निकाले। तब उसकी मॉम कहती है, क्या तुमने कल कपड़े धोए थे। वहीं हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है, वो साइकिल चलाकर जा रहा होता है। वहीं जीनी कपड़े निकालने लगती है, लेकिन उनमी नहीं चाहती थी और वो दोनों कपड़े को खींचातानी करने लगते हैं, जिससे उनके अंडरगारमेंट उड़कर बाहर गिर जाता है। वहीं वहां से वो लड़का साइकिल में जा रहा होता है और वो अंडरगारमेंट जाकर उसके सर पर गिर जाता है। तब वो दोनों चिल्लाकर उससे कहते हैं, तुम अपने सर पे हाथ मत लगाना, हम नीचे आ रहे हैं। लेकिन वो लड़का अंडरगारमेंट को उठाकर देख लेता है। वहीं जीनी गिरते पड़ते नीचे आती है और जब वो लड़के को देखती है वो उसे सल्यूट करती है, क्योंकि ये लड़का उसका सीनियर होता है। इस लड़के का नाम जेवन है। वहीं जेवन जीनी से कहता है, तुम अभी भी बिल्कुल सेम हो, और वो अंडरगारमेंट देकर वहाँ से चला जाता है। तब जीनी अपने आप से कहती है, मैं होप करती हूँ ये मेरे घर के आसपास वाले स्टेशन में काम नहीं करता हो। तभी उसे उसके बॉस की कही हुई बात याद आती है, जहाँ उन्होंने उसे कहा था, मैं बात करके तुम्हारा ट्रांसफ़र तुम्हारे घर के पास वाले स्टेशन में कर दूँगा। नेक्स्ट सीन में हम उनमी को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में जाती है। वहीं उनमी एक फिजियोथेरेपिस्ट होती है, वो लोगों को मसाज देने का काम करती है। वहीं उसके पास उस ओल्ड लेडी आई थी और वो उसे देखकर कहती है, तुम्हारा घर पास में ही है, तब भी तुम हमेशा क्यों लेट आती हो। बाद में उनमी उन सभी लेडी को मसाज देती है। उसके बाद हम जीनी को देखते हैं। वो अपने घर के पास वाले पुलिस स्टेशन को दूर से बैठकर देख रही होती है और वो अपने आप से कहती है, प्लीज़ वो यहाँ काम नहीं करता हो। यहाँ जीनी जियोन के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि जीनी के ट्रांसफ़र इसी स्टेशन में हुआ था। तभी वो जियोन को स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखती है। तब वो एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है, जहाँ जीनी जियोन और कुछ कलीग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। वहीं उसके कलीग उससे पूछते हैं, तुम पुलिस क्यों बनी हो। तब जीनी कहती है, ताकि मैं अपनी और अपनी फैमिली की प्रोटेक्ट कर सकूं। उसके बाद हम जियोन और जीनी को बाहर देखते हैं, जहाँ जियोन जीनी को डांट रहा था और कहता है, तुम ऐसा कैसे आंसर दे सकती हो। तब जीनी उसे उसके लिए सॉरी कहती है। उसके बाद हम जीनी को उसके बॉस के साथ देखते हैं, जहाँ वो उनसे कहती है, आपने जहाँ मेरा ट्रांसफ़र किया है मैं वहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दीजिए। तब बॉस कहते हैं, एक और स्टेशन है जो पास है, लेकिन वो बहुत सोता है। तब जीनी कहती है, आप मेरा वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद जब जीनी रात को घर जाती है, तब वो देखती है उसकी माँ मास्क लगाकर सोई हुई है। पहले जीनी सोचती है मास्क हटाने का, लेकिन वो नहीं हटाती है। वहीं जब मॉर्निंग में उनमी उठती है, तब वो चिल्लाती है, क्योंकि उसका मास्क उसके मुंह से नहीं उतर रहा होता है, क्योंकि उसने उसे रात भर लगा कर सो गई थी। तब जीनी एक टॉवल को भिगाकर उनके मुंह में रख देती है। तब उनमी उससे पूछती है, तुम आजकल मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। तब जीनी कहती है, आपको बाहर जाके किसी को डेट करना चाहिए। तब उनमी कहती है, तुमने उस दिन कहा था कि तुम लेट आओगे, लेकिन तुम जल्दी क्यों आ गई थी, और वैसे भी ये सब सभी करते हैं। उसके बाद उनमी हॉस्पिटल चली जाती है।
बाद में जीनी उर्मी को कॉल करके कहती है, आज हम शॉपिंग करने जाएंगे और आप मेरा कार्ड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वो दोनों बहुत सारा शॉपिंग करते हैं, साथ ही मूवी भी देखते हैं। नेक्स्ट डे जीनी अपने न्यू स्टेशन में जाती है। ये वही स्टेशन होता है जहाँ उसने पहले साइलेबियस वाला केस किया था। वही जब जीनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तब कोई उसे देखकर खुश नहीं होता है और जीनी उन लोगों से बात करने की भी कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसे भाव नहीं देता है। उसके बाद उसे पेट्रोलियम ग्रुप में ढाला जाता है जहाँ बहुत कम पुलिस वाले होते हैं। तब वो वहाँ की एक पुलिस वोमन से पूछती है, यहाँ इतने कम पुलिस क्यों हैं? तब वो लेडी कहती है, किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दिया था कि हम अच्छे से काम नहीं करते हैं, इसलिए दो पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? उसका नाम जीनी है। तब जीनी शॉक होती है क्योंकि उसने ही कंप्लेन किया था। वहीं हम उर्मी को देखते हैं, वो घर में होती है। उसे जीनी के रूम में उसका आईडी कार्ड मिलता है। तब वो जीनी के पुराने वाले पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि जीनी का डिमोलिशन हुआ है। उसके बाद हम जीनी को उसके डेस्क में देखते हैं, तभी उसे टाइकॉन कॉल करती है और कहती है, जहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ जीवन भी काम करता है। ये सुन के तो वो शॉक होती है। तभी जीनी का सीनियर आता है जो और कोई नहीं जीवन भी होता है। तब जीनी चिल्लाकर जीवन को सल्यूट करती है। तब सभी लोग उसे देखने लगते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ जीवन को पता चलता है कि जीनी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और उसे एक साल तक यहाँ करना होगा। तब जीवन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या करोगी? तब जीनी कहती है, मैं यहाँ बहुत मेहनत करूँगी और अच्छे से काम करूँगी। तब जीवन कहता है, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे वजह से हमारे दो कली का डिमोनेशन हुआ है। तब जीनी कहती है, उस केस में मेरी कोई गलती नहीं थी। तब जेउन कहता है, उन पुलिस वालों की भी कोई गलती नहीं थी। तब जीनी उससे कहती है, सर आप बहुत चेंज हो गए हो। तब जेउन कहता है, लेकिन तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई हो। उसके बाद जीनी वॉशरूम में जाकर अपने ऊपर हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो घर जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। तब उनमें भी कहती है, मुझे भी तुमसे बात करनी है। तब जीनी अपने बॉस के बेटे के बारे में कहने लगती है। तब उनमें कहती है, तुम मुझे उल्लू समझती हो क्या? तुम मुझे सच सच बताओ। लेकिन जीनी कुछ नहीं बताती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब उनमें उसका कार्ड फेंकती है उसके ऊपर। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।